नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजन 7 न्यूज़। मैं हूं जीत सिंह। आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर जाकर के जो डीएम सर ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो किस तरह से पेट्रोल पंप पर फॉलो किया जा रहा है, उसको कैसे पेट्रोल पंप जो डीलर हैं वो कैसे लागू कर रहे हैं, और जो मूलभूत सुविधाएँ डीलर्स कस्टमर्स को देते हैं जैसे कि हवा और आरो मिनरल वाटर की, वो किस तरह से यहाँ पर कस्टमर्स को मिल रही है। हमारे साथ हैं सचिन सिंगल जी, मैनेजर यहाँ के। हम एसआर पर पहुँचे, एसआर का पेट्रोल पंप है ये गढ़ रोड पे, सिटी में ही पेट्रोल पंप है, और इसके जो डीलर हैं रजनीश जैन जी हैं। हम इनके जो मैनेजर हैं सचिन सिंगल जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो सुविधा यहाँ पर कस्टमर्स को दे रहे हैं, और जो डीएम सर का आदेश जारी किया गया है कि बिना हेलमेट के बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो किस तरह से फॉलो हो रहा है। बढ़िया जी, बढ़िया। बताइए किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, जो मतलब डीएम सर ने अभी हाल ही में आदेश जारी किया है जी, बिना पेट्रोल बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा जी। जी जो भी आ रहा है, हम कस्टमर को सभी को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जो बहुत से लोग जो हैं बिना उसके भी आते हैं, लेकिन उनको सभी को हम समझा रहे हैं कि आप जो भी पेट्रोल या डीजल हम जो देंगे आपको, कि आप हेलमेट लगा के आइए। बहुत से लोग लगा के भी आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हमने बैनर भी लगाए हैं, जागरूक भी हो रहे हैं लोग, हमने बैनर भी लगाए हैं यहाँ पे कि भाई हेलमेट के बिना आपको ईंधन नहीं मिलेगा। तो बस इसी तरह से चल रहा है, धीरे धीरे जो लोग दोबारा जो आते हैं वो फिर लगा के भी आ रहे हैं। हाँ, बढ़ावा मिल रहा है, उसमें जो है काफ़ी जो है रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है जी। वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार किसी को नहीं, नहीं किसी को दे नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सी बार कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी में आ जाता है तो उसको हम एक आध को किसी को देना भी पड़ जाता है, हिचके लेके आते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, इस तरह के लोगों को जो है देना पड़ जाता है। हाँ, हम उसको पहले बोल देते हैं कि भैया तुम पहले लेके आ जाओ, हेलमेट लेके आ जाओ, और हेलमेट लेके आने के बाद हम जो है उसको दे देते हैं जी। जी जी, हाँ, पूरी तरह से हम उसको आदेश को उनके डीएम सर के जो है फॉलो कर रहे हैं, पूरी तरह से जो है उसको हमने लागू कर रखा है अपने पेट्रोल पंप पे। जो फ्री ऊपर हवा दी जाती जी, है जी, हमने हवा के लिए बंदा नहीं होता, हवा का भी ताला लगा रखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो है अपने कंपनी की जो है लगी हुई है मशीन, एयर मशीन लगी हुई है, कंप्रेसर लगा हुआ है, एक आदमी इसी काम के लिए अलग से हमने रख रखा है, बाकी सभी लोगों से अलग एक आदमी इसी काम कर लिए रख रखा है कि जो पूरे दिन अवेलेबल रहता है, पूरी रात को भी 10-11 बजे तक अवेलेबल रहता है जी। नहीं, आप हमारे पेट्रोल पंप पे देख भी सकते हैं और आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, वाटर कूलर लगा हुआ है जो 24 घंटे चलता है, पूरे 24 घंटे कभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आसपास जो लोग हैं कस्टमर हैं वही पानी पीते हैं, आसपास के आम जनता भी, आसपास के लोग, सामने के जिनके घरों में फ्रिज भी नहीं है वो भी यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। नहीं, यहाँ किसी को कोई पानी के लिए किसी को कोई मना नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी आके ले जा सकता है। जी, बाहर बोर्ड रखा हुआ है डेंसिटी, उस पर सुबह ही उस पर लिख दी जाती है, और जो है नहीं नहीं नहीं, जांच कर सकता है वो, कोई भी कस्टमर कहेगा हम उसको नोजिल से पेट्रोल या डीजल निकाल के दे देंगे, वो अपनी जांच कर सकता है, हम उसको हाइड्रोमीटर भी दे देंगे कि वो जांच कर सकता है, अगर उस पर आती है जांच करनी। हाँ हाँ, अगर कोई कहता है कि मुझे जो है आपकी उससे लेना है, मेजर से लेना है, तो हम उसको दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम, ग्राहक की संतुष्टि पहले है हमारे यहाँ। जी, उसको सेटिस्फाई हम ऐसे करते हैं कि हमने कस्टमर को या अपने सेल्समैन सभी को कह रखा है कि जो भी जितने रुपए का पेट्रोल या डीजल डलवाता है उसको फीड करके मशीन में पेट्रोल या डीजल डाले, अगर कोई उसके बाद भी ये कहता है कि मेरे उसमें नहीं आया, तो वो हमारे मशीन से पर्ची निकलती है, हम कस्टमरों को सभी को पर्ची मशीन से निकाल के देते हैं। हाँ, ऑटोमेशन से जो पर्ची निकलती है हम सभी को पर्ची निकाल के देते हैं, हम हाथ से बना के कोई पर्ची नहीं देते, क्योंकि मशीन से पर्ची जो निकलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो जाता है। अगर उसके बाद भी कोई कस्टमर चला जाए अगर कोई मतलब कि बाद में आके कहता है थोड़ी बहुत देर बाद, तो हमारी मशीन से बैक पर्ची भी निकलती है, तो 10 जिसमें 10 एंट्री आती है, वो 10 एंट्री से अपना मिलान कर सकता है। सर,
जी 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 शौचालय के लिए हमने एक आदमी जो है सफाई के लिए रखा हुआ है, वो तीन टाइम पे जो है सुबह दोपहर और शाम सफाई करने आता है, सफाई करके जाता है। और मना किसी के लिए शौचालय के, हर समय हमारे शौचालय के ताले खुले रहते हैं। लेडीज और जेंट्स दोनों अलग अलग हैं, विद साइन बोर्ड, दोनों पे आप फोटो भी ले सकते हो, देख भी सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा सचिन सिंगल जी का बयान आ चुका है, एसआर का जो पेट्रोल पंप है गढ़ रोड पर, उन्होंने साफ कह दिया है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं कि ये सुविधाएं तो कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, वो तो पूरी तरह से यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा जो डीएम सर ने अभी हाल ही में आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर स्ट्रिक्टली बिल्कुल फॉलो हो रहा है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह आयसन सर, मैं केयर फ्यूल पॉइंट में मैनेजर पद पर हूँ, और डीलर जो हैं श्री रजनी जैन जी, उनकी तरफ से और अपनी तरफ से और अपने पूरे केयर फ्यूल पॉइंट की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देता हूँ।